Assalamu alaikum guys, and welcome back to another podcast episode. In this episode, we have a very special guest, Sher Alam Tiwana, a former classmate of mine from Nast, Pakistan. After his civil engineering, now he has been selected for a post of assistant collector of grade 2. In this episode of podcast, we discussed some very interesting and important topics regarding the jobs in the civil services in Pakistan, and some real advice for the young graduates and aspirants who wish to pursue such kind of jobs. And it has been a very interesting discussion. So without any further delay, I would like you to watch this podcast, and do not forget to like, comment your opinion, and share it with your friends and family. So yeah, let's go and watch the podcast. Assalamualaikum Tiwana Sahab. Sir, thank you so much. पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए. बताएं क्या हाल चाल है सबसे पहले. बिल्कुल सामर, ठीक ठाक. इट्स माई प्लेयर और बिल्कुल थैंक्स फॉर हैविंग मी. उम्मीद करता हूँ अच्छी डिस्कशन होगी, फ्रूटफुल डिस्कशन होगी. यस यस श्योरली, थैंक यू सो मच. ओके, सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, आई थिंक हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. Because audience sure. would want to know के who is Sher Alam Tiwana. तो अपना थोड़ा सा हमें जरा background आप बताएं खुद अपने अल्फाज में के what was your education and then what did you do after graduation and where are you now. So then we will proceed from there further. अच्छा ठीक हो गया. वैसे तो ना lighter note अगर ये देखा जाए कि Sher Alam कौन है, तो Sher Alam basically तो एक दरवेश personality है. तो लेकिन थोड़ा सा अगर फॉर्मल साइड्स पे आया जाए या एजुकेशन वाइज देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफएससी प्री इंजीनियरिंग की. उसके बाद आई वेंट विद द फ्लो. उस वक्त का जो ट्रेंड था कि कौन सी सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, कौन सा डेफिनेटली आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी. उसके बाद इंजीनियरिंग के ऑप्शन ही लोग मोस्टली देखते हैं कि आगे जो भी, तो सिविल इंजीनियरिंग का दौर था उस वक्त. तो मैं फिर हमने भी कोशिश की, मेहनत की, एनईटी की प्रिपरेशन की. तो आपके फजल के साथ हम फिर सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल आपके साथ ही थे, आपको पता है. उसके बाद 4 साल सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 4 साल घर में बैठकर सोचा कि यार अब करें क्या, कि अब कैरियर भी बनाना है. तो उसके लिए ये था कि अपनी अपने सेल्फ पे जो बेहतर लगा, मेहनत की, अपनी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव करने की कोशिश की, जो जो रिक्वायर्ड था. एक सीएसएस का भी जेन में था अलोंग विद सिविल इंजीनियरिंग. तो फिर मैंने कहा सीएसएस में भी अगर ना भी हो सके तो किसी गवर्नमेंट जॉब को तो एटलीस्ट हिट करना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल, फेडरल लेवल पे. फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आने लग गए. कुछ जगह पे इस तरह रिटर्न क्लियर होने लग गया. इंस्पेक्टर एफआईए था, अप्रेजिंग ऑफिसर था एफबीआर के अंदर पाकिस्तान कस्टम्स में, उसका इंटरव्यू दिया हुआ है. नायब तहसीलदार था. तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लग गए, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, प्रिपरेशन की. तो रिसेंटली एज ए नायब तहसीलदार में रिकमेंडेशन हो गई थी, उसी की ट्रेनिंग अभी चल रही है. तो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, रब ने उस हिसाब से एक फ्रूट भी दिया, तो बड़ी खुशी भी होती है. और इंशाल्लाह इस जॉब के अंदर एक्सेल करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी. तो इसका थोड़ा सा बता दूं. हाँ जी जी, मैं बता दूं कि क्योंकि मैं अब एक एज ए नायब तहसीलदार ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ. तो ये बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, एसी के अंडर होते हैं, उनकी सुपरविजन में होते हैं. और लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मोस्टली जो एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि मोस्टली आप देखते होंगे पाकिस्तान का 66% लैंड जो है एग्रीकल्चरल है. अर्बनाइजेशन की तरफ अभी मुल्क जा रहा है, तो उसके साथ जो रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ लैंड हो गया, इस तरह की चीजें होगी, इनक्रोचमेंट केसेस हो गए, कब्जा दिलाना, उसके अलावा मिसलेनियस ड्यूटीज में प्राइस कंट्रोल हो गया वेजिटेबल मार्केट्स के अंदर, के डीसी रेट के मुताबिक कुछ है नहीं, अदर उनको फाइन कर सकते हैं, प्रिजन भी में भी आप कर सकते हैं उनको, अगर आप फील करते हैं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही वायलेट कर दिए रेट्स. तो इस तरह की ड्यूटीज होती हैं. उसके अलावा कोर्ट केसेस आ जाते हैं जिसमें डिसाइड करना होता है कि ये जमीन किसको बिलोंग करती है, अपने सामने जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो. तो इस तरह के मतलब एक इंटरेस्टिंग जॉब है, एट द सेम टाइम थोड़ी हेक्टिक और टफ भी है, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स सी अच्छा होगा जो होगा. ओके ओके, तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल में आपने बताया कि आपकी जर्नी रही है अप अंटिल नाउ.
मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा ताकि हम सिस्टमेटिकली जो है वो अप्रोच करें कि आपके जो लाइफ फेजेस रहे हैं इंजीनियरिंग में, डेफिनेटली तो 4 साल बाद समझ आती है। पिछली पॉडकास्ट में हमने अपने क्लास फेलो प्राचा साहब से भी बात की थी, तो उन्होंने बड़ा डिटेल जी में जी इंजीनियरिंग को डिस्कस किया, तो मैं आज उससे जरा आगे निकलना चाहता हूँ कि जी आपने जी इंजीनियरिंग के बाद 4 साल जो है वो एक किस्म का कह लें कि एक बफर फेज गुजारा है, जिसमें आपने सोचा कि आगे क्या करना है। कुछ प्लान्स पहले भी होंगे, लेकिन जारी बात है टाइम के साथ साथ चीजें और क्लियर होती हैं। वो 4 साल जो आपने गुजारे विदाउट एनी जॉब प्रॉबेबली, या मे बी आपने कुछ उसमें और मिसलेनियस थिंग्स की होंगी, वो 4 साल का पीरियड हाउ वाज इट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? वाज इट अ लर्निंग फेज, या वाज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू जस्ट सिट एट होम फॉर 4 ईयर्स? और उससे क्या सीखा आपने, और आज जो आपकी पोजीशन है वो उन 4 सालों का क्रेडिट है, या जो उससे पिछली 16 साल की एजुकेशन है उसका क्रेडिट है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक हो गया ठीक नहीं डेफिनेटली इट वाज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम क्योंकि आई एम सिटिंग एट अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी भी एक ऐसी मिल चुकी है जिसके अंदर मैं फील करता हूँ कि यार मैं एक रिसोर्सफुल मेंबर हूँ अब सोसाइटी का। तो अगर देखा जाए इन 4 सालों को अगर फोकस किया जाए तो उसको मैं मतलब इस तरह डिफाइन करूंगा कि इट वाज अ पीरियड टू प्रूव माई सेल्फ। ठीक है सब उस जो एक हम डेफिनेटली हमारा कल्चर भी कुछ ऐसा है और इसके अंदर काफी ज्यादा नेगेटिविटीज प्रिवेल करती हैं आपके अराउंड। आपकी तरफ कमेंट सर्ल होते हैं रिलेटिव्स की तरफ से, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मुश्किल है या इस तरह की मतलब बातें होती हैं। प्रेशर इंड्योरेंस का फेज था कि जिसके अंदर नो अनडाउटेडली कि प्रेशर के होते हुए अपने ऊपर आप सेल्फ बिलीफ के साथ सेल्फ रिलायंस के साथ मेहनत कर रहे हैं और उनको कमेंट्स को या नेगेटिव जो फोर्सेस हैं उनको सेट असाइड कर रहे हैं कि नहीं यार मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा। पहले साल कुछ नहीं होता, दूसरे कुछ नहीं होता, तीसरे कुछ नहीं होता। तो मैं तो मतलब इस चीज पे अपने आप से मतलब अगर मैं पूछूं कि किसी से मैं प्राउड हूं तो मैं ऐसे ही हूँ कि यार चलो हिम्मत नहीं आ रही लगे रहे हैं। तो रब ने बिल्कुल एक अच्छी पोजीशन पे अब मुझे दी है अच्छी पोजीशन। और उसमें ये कि अगर ये देखा जाए कि क्या ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से रिलेटिवली कंपैरेटिवली एक अच्छी पोजीशन पे मैं हूँ, तो उसमें ये है कि एक तो अगर 4 साल से पहले का फेज देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलिंग ठीक थी। एपीएस की स्कूलिंग थी, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़े थे, उसके अलावा नस्ट का भी कुछ एक्सपोजर कुछ हद तक था। तो उन चीज़ों की वजह से मे बी कुछ हुआ होगा। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग थी हाईली टेक्निकल फील्ड है, उसका सिविल गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वो एज सच कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये था कि नस्ट का एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसका नो डाउट इंटरव्यू में वो एज हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एज हुआ, एपसेक्स का एज हुआ। लेकिन जिस मतलब पीरियड ने मुझे बनाया वो ये चीज 4 साल थे कि जिसके अंदर मेहनत करके और एक स्ट्रेटेजी के साथ चल के। तो जो भी अदल की अभी आगे भी स्ट्रगल फेज ही है इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश है कि डायरेक्ट एसी शिप या फिर इस तरह पीएमएस या फिर सीएसएस की ट्राई है अब। ठीक जी हो गया, तो मैं आपकी बात समझ गया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मैं एज अ सब क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये जो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक सोर्स ऑफ अनईज पाई जाती है, जिसमें वो सोच रहे होते हैं कि यार ग्रेजुएशन के फौरन बाद कौन सी जॉब मिलेगी, सीनियर्स की क्या सैलरी है, बाहर चले जाएं, पाकिस्तान रहें, वो एक बड़ा क्योटिक इन्वायरमेंट होता है। आप जो बिल्कुल बता रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन के बाद कहा है कि यार रिलैक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं, और उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें आप जो ग्रेजुएट्स, यंग ग्रेजुएट्स हैं या जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उस उनको क्या गाइड करेंगे कि क्या उनको अपना टाइम लेना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू, या फिर दे शुड अच्छा जस्ट अच्छा फॉलो द फ्लो एंड सी व्हाट कम्स टू देम? अच्छा इस ये क्वेश्चन नो डाउट बहुत एक रेलिवेंट क्वेश्चन है आजकल के जो सोसाइटी के डायनामिक्स चल रहे हैं और यंग जनरेशन एक यूथ बल्च भी नजर आता है कि कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए यूथ को एक उनके पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे भी। फिर हम ये देखते हैं कि यार सोसाइटी को कैसे फायदा होना चाहिए, कैसे डिसीजन होने चाहिए, कैसी काउंसलिंग होनी चाहिए। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में जाऊंगा कि जब आप एफएससी या एफए कर लेते हैं उस वक्त
मोस्टली जो सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैंने अपनी जिंदगी में किया, मोस्टली लोग करते हैं, वो ये है कि दे गो विद द फ्लो, मतलब कि दे डू नॉट सिट बैक एंड मतलब इंट्रोस्पेक्ट फॉर अ वाइल कि यार जो मैं करूंगा उसकी मेरी पर्सनैलिटी के साथ कोई अलाइनमेंट है, मेरी एस्पायरेशन के साथ कोई अलाइनमेंट है भी कि नहीं. तो दे जस्ट गो विद द फ्लो, आई वेंट विद द फ्लो. ठीक है कि यार ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का दौर है, चलो चले जाते हैं. उसके बाद जाके आपका भाई जो है 4 साल से हो गया नष्ट. ठीक है, तो उसमें ये है कि उस लेवल का इंटरेस्ट डेफिनेटली वो भी नहीं डेवलप कर पाए. कुछ ये था कि उसमें तो आपको याद होगा कि काफी हेक्टिक स्लाइड्स हैं और उसके अंदर कंसेप्चुअल लर्निंग एज सच नहीं थी. लैब कोट्स एक दूसरे की देख के बना रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं असाइनमेंट. तो ऐसे कल्चर के अंदर एक पर्सनैलिटी या एक इंटेलेक्चुअल इंसान थ्राइव नहीं करता. तो उसके अलावा ये है कि अगर सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो ग्रेजुएट्स सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह FSC के बाद पता होना चाहिए कि यार मैंने सिविल इंजीनियर ही बनना है. और मैं इसमें, और डेफिनेटली केसेस हैं हमारे बैच में भी केसेस हैं जो बड़े अच्छे सिविल इंजीनियरिंग जिनने करके अपने मास्टर्स किया. एक उसामा शरफ, आप भी एक अच्छी एक एग्जाम्पल है इस लिहाज से. और बाकी भी कुछ हमारे बैचमेट्स हैं जिन्होंने रिसर्च की, जिन्होंने बड़ा बड़ा मतलब इंटरेस्ट लिया इस फील्ड में, एक्सेल किया, लेकिन वो एक बड़ा वो जैसे कहते हैं कि मैन्यूट सी अमाउंट है, मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पे नहीं है. काफी लोग डाइवर्ट कर गए, काफी लोग मतलब जो हम देखते हैं डिवर्जन देखने में. तो उन लोगों का तो ये डिसीजन ठीक था, लेकिन जो ऐसे लोग हैं, ग्रेजुएशन से पहले मैं उसमें कहूंगा कि यार आप यू शुड डिसाइड एट द मतलब स्टेज व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन के यार आपने कहाँ जाना, क्योंकि वो फिर एक प्रोफेशनल उसकी तरफ शिफ्ट होता है. कि अगर आप यार देखो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो और फिर आप ग्रेजुएट होने के बाद अगर ये सोच रहे हो कि यार मैंने क्या करना है, तो यार आप एक प्रोफेशनल फील्ड 4 साल से पढ़ रहे हो तो फिर आप ये सोच रहे हो. जैसे मैंने मतलब बाद में सोचा कि नहीं यार, हाँ तो ये डिसीजन पहले का. लेकिन डेफिनेटली अब फिर एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि जिसकी तरफ कहते हैं कि यार कंपार्टमेंटलाइज नहीं करने चाहिए इंटरेस्ट. मे बी आप एक अच्छा डिसीजन लो और 16th ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप फील करो नहीं यार मैं मतलब अब मुझे लगता है कि यार इससे बेहतर ही मैं कुछ कर सकता हूँ, या इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वक्त के साथ साथ, तो उस तरफ आप बिल्कुल शिफ्ट हो जाए. लेकिन ये है कि एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी जरूर होनी चाहिए कि यार आप जो है दूसरों को देख के, हर बंदे की अपनी होती है, किसी की मटेरियलिस्टिक वो होती है सोच के यार मैंने ज्यादा कमाना है, कुछ की होती है कि यार मैंने ऐसा काम करना है जो मेरी पर्सनल सेटिस्फेक्शन जिससे मुझे मिल जाए, कुछ कहते हैं कि यार हमने हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए. तो आपको जो भी चाहिए आप उसके मुताबिक अपनी जो भी एस्पिरेशंस हैं अपनी एफर्ट्स को चैनलाइज कर लें. जैसे अगर मैंने सोचा कि यार मैं कोई CSS या गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो आई मतलब आई डिड अवे विद सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है, और आई टुक टोटली अनदर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन के यार चलो अब जो गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेबस होता है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो. ओके ओके, तो ना मैं बल्कि समझ गया, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बजाय इसके कि 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आप ब्रेक लेके सोचें, आप FSC के बाद ब्रेक लेके सोचें, बिकॉज दैट इज प्रोबेबली द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, राइट? बिकॉज देन यू डेफिनेटली डू सम स्पेशलाइजेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एग्री विद यू। अच्छा, डेफिनेटली इसमें ये है कि हम थोड़ा सा चलते हैं आपकी जॉब की तरफ, जरा उसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करते हैं। सो पाकिस्तान में, इवन आई रिमेम्बर जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे इन नस्ट, देर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने उस वक्त भी अपना माइंड बना लिया था कि वी वॉन्ट टू गिव कम्पेटिटिव एग्जाम्स, वी वॉन्ट टू गिव दिस CSS एग्जाम्स, और ये पंजाब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं ये देना चाहते हैं। पहले मैं ओवरऑल जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, यंग जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पहले समझना चाहूँगा और फिर आपकी तरफ स्पेसिफिकली आएंगे कि ये जो माइंड सेट है कि हमने सिविल जॉब्स करनी है या गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, एस्पिरेशंस क्या हैं जनरल पब्लिक की, आपकी पर्सनल इसमें क्या ओपिनियन है? बिल्कुल. देखिए पहले तो मैं ब्रीफली सी स्टेटमेंट दूंगा जिसमें मतलब कि बड़ी सारी बात एक मेरे अंदाजे में जो गवर्नमेंट जॉब डायनेमिक्स है उनको डिफाइन करती है. वो अब अक्सर सोसाइटी में हमारे देखते होंगे कि यार हूटर लगा हो ना गाड़ी पे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि यार ये कौन है. ठीक है, डेफिनेटली अब हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो हूटर नहीं है, लेकिन माइंडसेट वही है कि यार आप देखें जो सरकार का एक लफ्ज है, गवर्नमेंट का वर्ड है, उस पर फोकस करें तो वो एक ऐसी एंटिटी है जो कंट्रोल कर रही है. तो वो एक नेचुरली एक इंसान जब ऐसी एक एजेंसी का हिस्सा बन जाता है कि जो कंट्रोल करती है, तो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस
या एक सेंस ऑफ सेल्फ अचीवमेंट उसके अंदर आ जाती है, ठीक हो गया। तो सीएसपी या पीएमएस जो है या ऑफिसर्स जो होते हैं, वो डेफिनेटली वो उसके लिए उसको टारगेट करते हैं कि यार एक तो जरा सोसाइटी के अंदर कंट्रोल आ जाए, पावर आ जाए, फिर उसके साथ साथ बड़ी चीजें आती हैं, लिंक्ड होती हैं उसके साथ, आपकी इज्जत, आपकी आपके मतलब की कैपेसिटी ऑफ लिंक डेवलपमेंट्स जो है, सोशल लिंक्स हो गए, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो गए, तो बड़ी सारी चीजें इसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो एक रेट्रोस्पेक्ट पे जो मुझे लगता है, अगर देखा जाए तो उसकी रूट काज ये है कि आप सब कॉन्टिनेंट में देखें तो इट वाज मतलब कि फॉर क्वाइट नंबर ऑफ डेकेड्स जो ये है कि सब्जुकेटेड मैसेज थे इधर जो है ना, तो उनको जो एक ऐसी चीज नजर आती थी कि जिसके थ्रू वो समझते थे कि यार हम भी कुछ मतलब वैल्यूएबल बन सकते हैं, तो वो यही सिविल सर्विस के एग्जाम्स और इसके अंदर जो उनसे है, वो फिर एक ट्रिकल डाउन हमने देखा जनरेशन टू जनरेशन के। आप देखो कि मोस्टली जो है हमारे ग्रैंडफादर्स, उनका यही होता था बच्चे ने अफसर बनना है, फिर बाप भी कहता है यार बच्चे ने अफसर बनना है, तो ये रूट काज उस कल्चर के साथ भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि इसके ऊपर लोग क्यों हिट करते हैं, सीएसएस पीएमएस या कोई अच्छी कॉपरेटेड गवर्नमेंट जॉब होती है, उसमें सबसे पहले तो ये है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। पाकिस्तान में एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, इधर कुछ पता नहीं कि प्राइवेट फर्म्स जो हैं, अभी आपको सामने जैसे पता है पॉलिटिकल क्योस है और उसके अंदर इंस्टेबिलिटी है, फिर वो इकोनॉमी को भी जो उनसे एक अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और उसके अंदर हमारी एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और उसके अंदर जब आप देखें कि फॉरेन एक्सचेंजेस का जब भी एक इशू आता है तो क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी तो है नहीं कि हम कहें कि यार इधर एक स्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज आपको जो है पावर खोता है या फिर हमारे पास उसकी एक डिप्रिसिएशन नजर आती है, तो आप देखते हैं कि मोस्टली अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देख लें या मेन मेन इंडस्ट्री है, वो फिर जो उनसे है एक ले ऑफ करने लग जाते हैं अपने एम्प्लॉयज, और ये प्राइवेट सेक्टर की यहाँ एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह के लोग कहते हैं। उसके अलावा एक ग्रोथ पैटर्न है, आपका स्ट्रक्चर है, आपको पता है यार आप उसके कल को आप अगर रिटायर हो गए तो एक अच्छी पोजिशन पे आप रिटायर हो गए, आपके जेन में है कि यार यहाँ पे एक उस लिहाज से ग्रोथ है, मे बी मेंटली बंदा जो उनसे अपने आप को दूसरी कोई एक्सप्लोरेटिव एक्टिविटीज में एंगेज करना छोड़ जाए, तो मुझे पता है यार तनख्वाह आ रही है, मैं बस अपना ये काम करूंगा और प्रमोशन भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा जी एक और सब क्वेश्चन वो ये है कि ठीक है कि आपने रीजंस बताई कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये सारी चीजें होती हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ग्रोथ पैटर्न है, स्टेबिलिटी है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें तो उनके अपने पर्सनल लिए हैं, ठीक है, ये तो वो अपने लिए देख रहे हैं, वाइल ये जो जॉब है इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ बिगर आई वुड से इमेज एज वेल, विच इज यू हैव टू सर्व योर कंट्री। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस जॉब को अडॉप्ट करते हैं, क्या उनके अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश भी होती है कि वी वॉन्ट टू वर्क फॉर द कंट्री, फॉर इट्स बेटरमेंट, या ये सारे बेनिफिट्स वो सिर्फ अपने लिए जो है वो देख के इस जॉब को एज अ गुड जॉब प्रोस्पेक्ट जो है वो इमेजिन कर रहे होते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ नहीं देखिए उसामा, मे भी कुछ लोग कहें कि यार ये शेर आलम हैज सेड समथिंग सिनिकल और पैसिमिस्टिक। देखिए मोस्टली मेरा एक ख्याल है कि इंडिविजुअल जब थ्राइव होती है कामयाब होने की, वो बहुत ज्यादा इंसान को एक जो न्यूसेस वैल्यू मिलती है जॉब से, रिस्पेक्ट हो गई, उसके अलावा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हो गई, करप्शन के वेन्यूज खुल जाते हैं मोस्टली आवाम के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आई डोंट नो कि आई शुड से वेदर आई शुड से इट और नॉट, कि ये एक है कि मतलब डेफिनेटली इंटरव्यूज में या एक फॉर्मल गैदरिंग के अंदर आप देखते होंगे कि यार मैंने अपने मुल्क को सर्व करना, मैंने अपने मुल्क को ये करना, और आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे में घुसते हैं तो वो सो रहे होते हैं वहां पर बेसिकली जो है ना लिटरली, कि वो उनको नहीं फर्क, उनको पता होता है यार जॉब मिल जानी है, अगर मैं एफिशिएंट हो भी गया या ना भी हो क्या फर्क पड़ता है, तो वो फिर दे चोज के लेजनेस और रिलैक्स, मतलब ये भी एक जनरलाइज्ड इमेज नहीं, मैं कोई वो बात नहीं कर रहा कि यार हर तरफ यही है, अच्छे लोग हैं, और थोड़ा सा आई बिलीव कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक मॉरल वैल्यूज या फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी लैग करती है एज कंपेयर टू बाकी जो कंट्रीज है। उसकी सबसे सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर आप कंपैरिजन कर लें कि उस समय आप मुझे बताओ अगर हर बंदा ईमानदारी से काम करता होता तो मुल्क के ये हालात होते जो आज हैं, देखे ना, बड़ी एक सिंपल सी बात,
वो तो डेफिनेटली लैक करता है अल्लाह दादी। ठीक हो गया, मैं वही आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। तो अच्छा, इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जो स्टूडेंट्स एस्पायर्ड हैं इन जॉब्स को लेकर और जो इन जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं या जो इवन सिलेक्टेड हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको किस तरह से इस जॉब को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए? बिकॉज इट्स क्वाइट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन दे आर ऑन अ सिविल सर्वेंट जॉब, बिकॉज दे हैव इन्फ्लुएंस ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। They have influence over the young students who want to become like them, and overall they have the influence over the let's say जो भी उनका expertise है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस पर भी उनका एक बड़ा wide influence होता है। तो ये जो सारा chaos हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक environment है laziness का या पाकिस्तान में एक environment है corruption का किसी हद तक, इस सब का आप समझते हैं हल क्या हो सकता है? ये जो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं इन सारी पोस्ट्स पे, दे आर ऑल वेरी एजुकेटेड, दे आर ऑल वेरी केपेबल स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि बाद में एकदम जो है वो एवरीथिंग जस्ट गोज अवे, राइट? लाइक व्हाट गोज रॉन्ग? अच्छा, बिल्कुल, बड़ा आपने खूबसूरत सवाल किया और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था आप करेंगे। देखिए, एक इंसान को बनाने वाली चीज जो है वो एजुकेशन होती है। देखिए, आप उसको एजुकेट ना करें तो वो एक, मतलब एक जानवर और उसके इंसान के अंदर कोई खास फर्क आपको नजर आएगा नहीं अगर आप उसको प्रॉपर एजुकेट नहीं करते। इवन वर्स दर एनिमल्स भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे गए कि इंसान ऐसा बिहेवियर भी अडॉप्ट कर लेता है कभी कभार। तो जो चीज लैक कर रही है कि वो एक यूटिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे या फिर रिसोर्सफुलनेस उनमें नजर आती है, वो है कि लैक ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। हम एजुकेशन को मोस्टली हमारा टिल्ट होता है एकेडेमिक साइड पे कि यार एकेडेमिकली, मतलब साउंड है, हम देखते हैं कि नंबरों की रेस लगी हुई है और हम देखते हैं कि यार उसमें एक, मतलब कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं, एथिक्स मतलब उनको नहीं सिखाए जाते, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखें बड़ी सारी मॉरल वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, तो इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा एजुकेशन को बाइफरकेट करता हूँ दो चीजों में, एक तो एकेडेमिक एस्पेक्ट हो गया कि टेक्निकली उनको साउंड करना, दूसरी तरफ एक मॉरल एस्पेक्ट भी होता है जो कि मैं समझता हूँ कि समटाइम साइडलाइन हो जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो जब इन दोनों लाइंस के ऊपर काम किया जाता है तो इंडिविजुअल मतलब इस पोजिशन पे पहुंचता है कल को, वो एक रिसोर्सफुल मेंबर बनता है सोसाइटी का, प्रोडक्टिव मेंबर बनता है सोसाइटी का। तो इसके ऊपर करिकुलम्स में कुछ एक्टिविटीज रखानी चाहिए कि एट अ बडिंग स्टेज बच्चे के अंदर ये क्वालिटीज डेवलप हो जाए कि कल को एक अच्छा इंडिविजुअल बने, एक अपराइट इंडिविजुअल बने। जैसे चाइना में देखा जाता है, जापान में देखा जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यार खुद सफाई करो, उनकी अनाथ टूटती है, ऑस्टेरिटी, खाना शेयर करो, मतलब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं आप मतलब उनके एजुकेशन सिस्टम मॉडल को लर्न करें। तो दिस इज माय आंसर उसके ऊपर, ये मेरी ओके टेक। दवाना साहब, बड़ी खूबसूरती से आपने ये भी बयान किया। अच्छा, अब मैं जरा टॉपिक थोड़ा शिफ्ट करना चाहूंगा। वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डायनामिक्स ऑफ दिस जॉब, माइंडसेट क्या है और क्यों लोग इन जॉब्स को प्रिफर करते हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि जो यंग स्टूडेंट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स इन जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं बट दे आर नॉट येट क्लियर कि कितनी किस्म की सिविल जॉब्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में, कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं और उनमें फिर अप्लाई कैसे किया जा सकता है? हाउ डू यू अप्रोच, लाइक व्हाट डू यू नीड टू प्रिपेयर, व्हाट आर द एप्लीकेशन प्रोसेसेस एंड हाउ यू शुड बी रेडी टू 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 बिकम अ पार्ट ऑफ सच अ स्ट्रीमलाइन लेट्स से। तो उसमें थोड़ा बताएं कि डिफरेंट जॉब्स टाइप्स कौन सी हैं, जैसे CSS है, पब्लिक सर्विस है, पंजाब पब्लिक सर्विस है या और हर सूबे का डिफरेंट है, और उसमें मे बी देर आर सब कैटेगरीज, और उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, ईयरली होता है या फिर क्या सिस्टम है, इस पे थोड़ा सा जरा बताएं। ठीक हो गया, ठीक है। नहीं देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब को एज ए एस्पिरेशन लेके चलना चाहते हैं, अच्छा एम है लाइफ में, अच्छा गोल है, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है एक गवर्नमेंट जॉब से, तो अगर देखा जाए टाइप्स पे बात की जाए तो फेडरल लेवल पे जॉब्स आती हैं, मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी वेबसाइट पे मतलब आपको विजिलेंटली देखना पड़ता है, हफ्ते दो बाद अगली एडवर्टाइजमेंट आई उसमें कौन कौन सी जॉब्स मेरे एजुकेशन के साथ मैच कर रही हैं, कहाँ कहाँ एलिजिबल हूँ। इसी तरह पीपीएससी की साइट है, ऑफिशियल प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन,
जो है मतलब चार जो हमारे सूबे हैं उनमें, और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी होती हैं वो भी इश्तेहार दे देती हैं उसमें, लेकिन उसके लिए फिर आपको अखबार को मतलब देखना पड़ता है, जॉब सेक्शन होते हैं वहाँ से आपको ये मतलब, लेकिन उसमें यह है कि आपको थोड़ी विजिलेंस ही होनी चाहिए। बहुत से लोग बड़े से बड़े सर, ये लाइट को थोड़ा यहाँ इशू हो गया, हम पाकिस्तान में सर तो ये चीजें चलती रहती है। खैर अच्छा मैं क्या कह रहा इट्स था, ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो हाँ तो उसमें ये है कि आपको विजिलेंटली चेक करना पड़ता है कुछ कुछ। बड़े बड़े काबिल लोग सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार मैं तो अप्लाई करना भूल गया, यार मुझे तो यही नहीं पता कि करना क्या। बड़े बड़े काबिल लोग मतलब उनको बेसिक को एक पुश नहीं मिल रहा, तो ये तो हो गया कि जो जॉब टाइप्स हैं ठीक हो गया। बाकी ये कि इसके लिए प्रिपरेशन के लिए उनका अपना सिलेबस है, वो उसके अंदर वो पैटर्न बता देते हैं कि इस जॉब के लिए हमें ये क्वालिफिकेशन और ये टेस्टिंग वो होगा। तो उसके लिए यही है कि आप मतलब अपना हार्ड वर्क करें, अपनी इंग्लिश को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश के बगैर इस सोसाइटी के अंदर, खासकर पाकिस्तानी सोसाइटी जो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है अमेरिका और ब्रिटिश से पॉलिसी मेकिंग के अंदर और बड़े मामलात में, तो बल्कि सारी दुनिया ही है, तो उसको आप इम्प्रूव करें और मेहनत के साथ क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल आप स्ट्रगल करें आप अचीव कर सकते हैं कुछ भी। ओके ओके ओके, राइट, ठीक हो गया तुम्हारा सब। अच्छा, इसमें ये थोड़ा साइड क्वेश्चन है, बट आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन, कि अभी आपने मेंशन किया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी इंग्लिश पे जरा फोकस करें, दे नीड टू इम्प्रूव दियर इंग्लिश। मतलब मैं यहाँ यूरोप में रहता हूँ, या डिफरेंट कंट्रीज, मैंने कम अज कम यूरोपियन कंट्रीज विजिट की हैं और ऑब्जर्व किया इन्वायरमेंट। ऑल्दो इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, बट दे ऑलवेज पुट स्ट्रेस ऑन दियर ओन लैंग्वेज। सो इवन अगर फॉरनर्स आते हैं इनकी कंट्रीज में, वेयर एवर यू गो, जर्मनी, इटली, स्पेन, वेयर एवर, दे वुड वॉन्ट यू टू लर्न दियर लैंग्वेज, राइट? बिकॉज दे वॉन्ट यू टू गेट एब्जॉर्ब इन दियर सोसाइटी, सो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ देम एंड डोंट फील सेपरेटेड, लेट से। लेकिन हम देखते हैं कि जब से हमारा, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देर वॉज दिस रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड दे लेफ्ट, नाउ इट्स बीन 75 ईयर्स, बट वी स्टिल आर लैकिंग इन दिस एस्पेक्ट, कि हम अपनी लैंग्वेज जो है उसको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी कि हम इंग्लिश को देते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हम जो है वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर कंट्रीज विच हैव बिकम वेरी सक्सेसफुल विद दियर ओन लैंग्वेज एंड विद दियर ओन कल्चर। इसमें जरा थोड़ा सा मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक डिस्कशन, बट आई वॉन्ट टू नो, बट डू यू थिंक के वॉट इज द रीजन, एंड इज इट गुड और इज इट नॉट गुड? लाइक, व्हाट डू यू थिंक? इज इट बैड और डू यू थिंक दैट इट्स फाइन टू हैव इंग्लिश एज अ प्रायोरिटी इन आवर ऑफिशियल लेवल? ठीक है ठीक हो गया। देखिए उस समय बात इस तरह है कि येट अनदर एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये है कि ये इस तरह का कोई बात हो रही थी, तो एक अपने मुर्शिद है ने मुझे कहा कि यार मुझे बात बताओ कि अगर दो इंसान मतलब एक मतलब दो इंसान एक इंसान चल के आपको नहीं पता उसका उसके कल्चर का, और वो बड़ा सूटेड बूटेड हो के और पेंट कोट पहन के और आपके सामने से गुजरे, आप डेफिनेटली एक ग्लांस दोगे। मैं कह सर डेफिनेटली उसने अट्रैक्ट किया, उसके पास एक करिश्मा था, उसके पास एक पावर थी कि मेरा दिल किया यार उसे देख लूं। तो कहते कल्चर्स का भी यही हिसाब है, आप बैठे हुए हैं मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मतलब कि आई एम सराउंडेड बाय इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स, मैं यहाँ पर जहीं भी देखूंगा कोई प्रोडक्ट नहीं, मैं छत की तरफ देखूंगा फैन के ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, मतलब मैं अपने मोबाइल को खोलूंगा सामने इंग्लिश है, मैं राइट देखूंगा कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ उसके ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, तो इसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज का अपने काम की वजह से, हम लोगों ने अपने आप को मनवाया है। तो फिर जब एक इंसान अब देखिए हम अक्सर सोसाइटी लुकअप करती है अलीट क्लास को कि यार अलीट क्लास की गेम है, तो अब उसको जब वो लुकअप करेगी तो उसका दिल करेगा कि यार मैं भी वैसा बनूं, एक नेचुरली वो बात है उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए, उनके साथ एक हेल्दी कन्वर्जेशन करने के लिए आपको उनका मीडियम ऑफ लैंग्वेज पता होना चाहिए कि यार वो किस में बात करते हैं, ताकि आप उन जैसे बन सकें, उनसे कुछ सीख सकें। जितना मोस्टली डाटा अवेलेबल है नेट पे आप देखते हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, उर्दू लैंग्वेज में कौन सी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसने इतनी यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी है, मतलब आपको इंग्लिश आती है आप कोई किताब खोलें आप पढ़ सकते हैं, एवरी बुक मतलब हैज बीन ट्रांसलेटेड एट लीस्ट ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश लैंग्वेज आई कैन से फॉर श्योर, ठीक हो गया।
तो बाकी ये कि जिन सोसाइटीज में अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करके मैं डेफिनेटली इस तरह की मिसालें हैं आपने दी, चाइना है, ये वो प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका वो लेवल भी है कि उनके पास मतलब वो लेवल ऑफ कहते हैं सेल्फनेस है, उनके पास एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको ये पता है कि यार हम अपने दम पे कर सकते हैं कुछ, ठीक है। हम मैंने आपको मिसाल दी, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, ये बहुत कुछ बताता है अपनी सोसाइटी के बारे में, ठीक है। अगर हम मतलब इम्पोर्ट डिपेंडेंट है तो हम मोस्टली चीजें इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, लैंग्वेज भी हम इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। अगर हम इतने खुददार होते तो हम मतलब कि हम एक ऐसी सोसाइटी ना बनाते जो कि सेल्फ सफिशियंट होती। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उस तरफ जाते ही नहीं है। तो वो कहने का मकसद ये है, अगर उन्होंने अपनी लैंग्वेज के बेस पे किया है तो वो कुछ ऐसे इंसान, वो क्वालिटी इंडिविजुअल्स थे भी, ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल उनका इतना था कि उनको पता था कि यार हम अपनी लैंग्वेज की बेस पे भी दुनिया में नाम बना लेंगे। तो उर्दू को कौन सर उस हिसाब से इम्पोर्टेंस देता है या करता है? तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, डायनामिक्स के अंदर अगर देखते हैं तो इंग्लिश का एक नो डाउट है। लेकिन हाँ, मैं डेफिनेटली एक मैं कोई बात जरूर करूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत का हिंड्रेंस बन जाता है बड़े बड़े काबिल लोगों के लिए। मतलब कि यूटिलिटी होना बड़ा जरूरी है कि यार जो काम इसने करना है उसमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है कि नहीं। मे बी एक इंसान हो जिसको उर्दू में साइंस पढ़ाई जाए तो वो पता लगे कि यार नहीं, वो बड़ा अच्छा ग्रेस कर रहा है कॉन्सेप्ट। तो देखिए असल तो मीडियम एक कम्युनिकेशन होता है ना, लैंग्वेज, चीजें तो समझ सकता है कोई भी। मतलब कॉन्सेप्ट इटली वालों के लिए भी वही है, इंग्लिश वालों के लिए भी, उर्दू वालों के लिए भी वही है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस जरूर करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस टू, इसको भी हम निगेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया तुम्हारा। तो मैं समझ गया आपका पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब मुझे ज़रा थोड़ा सा मैं टॉपिक पे वापस आना चाहूँगा, सिविल जॉब्स की तरफ। मुझे ये बताएं कि वंस यू आर सेलेक्टेड, जैसा कि आप रिसेंटली आपकी भी अपॉइंटमेंट हुई है, यू आर स्टिल डूइंग ट्रेनिंग, सो व्हाट इज़ अ करियर पाथ लाइक? आप सेलेक्ट हो गए एज अ ट्रेनी इन द बिगिनिंग, लाइक इन योर 20s, लेट्स से, डू यू हैव अ विजन? वेयर डू यू सी योर सेल्फ, लेट्स से, बाय द टाइम यू वुड रिटायर, और इन द नेक्स्ट 10 years, 20 years? लाइक इज देयर अ पाथ, इज देयर समथिंग दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स? लाइक डू यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, और डू यू थिंक सिविल जॉब्स में मोस्टली पीपल सेलेक्ट हो जाते हैं एंड देन दैट्स इट, लाइक देर इज नो ग्रोथ, देर इज नो एस्पिरेशन टू डू समथिंग न्यू, देर इज नथिंग एक्साइटिंग? इसके बारे में बताएं कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ स्पेसिफिकली एंड इन जनरल सिविल जॉब्स में? How is the environment of growth and learning and of opportunities and excitement, let's say? देखिए आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, लोग आप उससे डिफाइन होते हो कि यार आपका नाम भी लिया जाते, कहते हैं अच्छा यार फलाना ये है, मतलब ये पोजीशन है उसकी, तो वो एक आपका मेन कोर्स आपने डिसाइड कर लिया मैंने ये करना है। बाकी आपके पास अगर आप देखते हो कि यार मैंने कोई अपना एक्स्ट्रा कुछ कुछ बिजनेस करना है, या मैंने कोई एक्स्ट्रा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए किताबें पढ़नी है, या मैंने ट्रैवलिंग करनी है, या मैंने कुछ भी करना है अपने आप को बेहतर करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। मतलब जिस हद तक आपको डाइवर्जन अलाउ करती है आपकी जॉब, तो एज सच ये नहीं है कि आप बाउंड हो जाओगे। तो दूसरा ये है कि मैं अगर फिलहाल तो मैं जैसे आई सेड अर्लियर एज वेल कि मैं तो एक मतलब स्ट्रगल फेज के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं कोई मतलब अच्छी से अच्छी जॉब मतलब इससे भी मिलती है। तो अगर स्पेसिफिकली ये नायब तहसीलदार या असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड टू की बात की जाए तो ये रिटायर मतलब कुछ हमारे बैच में से एडिशनल डीसी तक भी जाएंगे, और एटलीस्ट जो है असिस्टेंट कमिश्नर तक, एडमिनिस्ट्रेशन का जो असिस्टेंट कमिश्नर होता है उधर तक ये जाएंगे। तो उस लिहाज से मतलब नायब तहसीलदार, तहसीलदार उसके बाद एसी, तो उस लिहाज से एक बड़ी इसकी एक वैल्यू है इस जॉब की प्रमोशन। क्योंकि देखें आपके टॉप टीयर पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके अंदर आप ऑफिसर हैं, फिर वहां पे देखें अभी मेरा एज ए 14 स्केल है, लेकिन वो न्यूसेस वैल्यू उन मामला को देखा जाए तो मोस्टली कहते हैं कि यार ये तो चीजें आपके पास जो है वो तो हमारे पास 18 स्केल और 19 स्केल में भी ये अथॉरिटीज नहीं है जो आपको मतलब मिली हुई है। तो इसके अंदर भी ये कैरियर का है। बाकी देखिए मैंने पहले भी जैसे कहा कि कोई भी मतलब
जब गवर्नमेंट जॉब के लिए, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब आपको एक ग्रोथ पैटर्न देती है कि यार आप इतने साल बाद प्रमोट हो जाओगे, ठीक है, फिर आप इतने साल बाद, तो डेफिनेटली अगर आप अपने वर्क से लॉयल हो तो आप बहुत कुछ सीखते भी हो उस एनवायरमेंट के अंदर। आप कोई भी काम कर रहे हो आप बहुत कुछ सीखते हो, तो उस लिहाज से ये भी नहीं कह सकते कि अगर आप सीखना चाहो ये। हाँ, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में बड़ी एक ट्रिवियल सी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, आपने पूरी कर दी, आप सारी जिंदगी वो ही करते रहो, फिर कवर करो कर लो, ये भी देखा जाता है। तो ये नहीं है कि एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी आपको कैरियर पाथ मिल सकता है पर्सनल ग्रोथ के लिए भी। ठीक हो गया तुम्हारा सब। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और डिग डीप करना चाहूंगा इस गवर्नमेंट जॉब्स को इन जनरल। पाकिस्तान में जो जॉब एनवायरनमेंट है उसको स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी रिवॉर्ड, राइट? यू सी के पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का क्या हाल हुआ है पिछले कुछ सालों में, और हो रहा है लेट से पिछले 75 सालों में ही, बट इट हैज गॉटन वेरी वर्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। अब मैं पिछले दिनों, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, वॉज गोइंग थ्रू माई लिंक्ड इन प्रोफाइल एंड आई कम अक्रॉस अ पोस्ट ऑफ अ रिसर्च असिस्टेंट एट नस्ट, नस्ट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान सो कॉल्ड। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट थी वेयर दे वॉन्टेड समवन विद अ बैचलर्स डिग्री इन केमिस्ट्री एंड दे वॉन्टेड समवन टू डू अ जॉब ऑफ रिसर्च विद अ मंथली सैलरी ऑफ 16,000 पाकिस्तानी रुपीज। आफ्टर 16 years of education, you are paying someone 16,000 rupees in research. Definitely, you are not going to get anything out of it. Like, there is not going to be any quality research there, basically, because of course it's linked. Everything is linked. But this is just one aspect कि why research lacks so much in Pakistan. दूसरी चीज ये कि एक बंदे को आप 16 साल की एजुकेशन के बाद 16,000 दे रहे हो, how he is gonna live basically? Even if he's alone, 16,000 means nothing basically in today's inflation in Pakistan. So, do you think government jobs जो हैं, उनमें salaries का क्या system है? I know that there are a lot of benefits, but do you think there is also a trend that people want to apply for these jobs because their salaries keep on increasing with inflation, or there is more self of security when it comes to monetary reward? देखिए सामा, हाँ बिल्कुल, आपने इन्फ्लेशन की बात की और उसके साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात की जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, और ये दोनों चीजें एक दूसरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सैलरी क्लास है उसके अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स में वो कैटेगराइज हो जाते हैं पे स्केल्स, तो चीजें महंगी हो रही होती हैं उस हिसाब से, बट द वेजेस आर स्टिकी, वो उतनी जल्दी जो सा है नहीं चेंज होती, उसके लिए बिल पास करना पड़ता है और बहुत सारी रेड टेपिज्म होता है इसके अंदर। तो अब होता ये है कि एक तो हमारी पाकिस्तान की वो वैसे ही थोड़ी सी इंक्लाइंड है, क्योंकि मैंने पहले कहा मॉरल डेवलपमेंट ऐसा सच नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, अनफॉर्चुनेटली क्यों ऐसा है, और ऊपर से ऐसी जब सैलरीज होती हैं तो इट पुशेस देम टुवार्ड्स करप्शन, ठीक है, इट फोर्सेस देम के टू अडॉप्ट सच मीन्स ऑफ मेकिंग मनी। तो उसके अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर डेफिनेटली आप कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हो कि यार काम डिले कर दो, मतलब इनडायरेक्टली उसे आप, हम तो हैं तो बेसिकली पब्लिक सर्विस के, जो कि हमने सर्व करना है, वी आर सर्वेंट्स बेसिकली अगर देखा जाए ऑफिशियली, पर हम आवर एटीट्यूड मोस्टली जो उनसे होता है इट इज लाइक दैट वी आर द किंग्स। तो उसके अंदर ये आप उनको काम डिले कर दिया इनडायरेक्टली, उन्हें ये शो करा दी भाई पैसे दोगे तो फाइल चलेगी, ठीक हो गया, काम उनके रोक दिए, जायज काम को भी, के उनकी भी फिर एक एंड पे मजबूरी होती, कहते हैं यार इतनी सैलरी पे हम कैसे गुजारा करें, बीवी बच्चे हैं, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान। तो एक बड़ी ही जो सा है, गॉड फॉरबिड, बड़ी ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि जो कि एक इरेपरेबल स्टेज पे मार्च कर रहे हैं हम। तो ये है, इसके अलावा ये है कि अब देखिए, अगर तो मॉनेटरी बेनिफिट्स एक अपराइट बंदे के लिए, अगर उसका लाइफस्टाइल बड़ा लैविश है, वो रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ अचीवमेंट से ज्यादा मॉनेटरी जो मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स है उसको डील करता है, तो ही शुड डू बिजनेस, उसे बिजनेस सूट करता है, गवर्नमेंट जॉब भी सूट करती है। तो दिस इज माई आंसर। ठीक हो गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। सो कंक्लूड करेंगे तुम्हारा सा पॉडकास्ट को एक फाइनल क्वेश्चन के साथ, विच इज मोर लाइक अ सजेशन फ्रॉम योर साइड।
आपने ये सारे फेजेस देखे हैं, इंजीनियरिंग की है, आपने अपना टाइम लिया टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, नाउ यू आर एट अ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्ट एंड होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में यू विल बी अचीविंग थैंक यू थैंक यू अदर थैंक यू अचीवमेंट्स एज वेल। जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है किसी हद तक कि दे वांट टू डू दीज काइंड ऑफ जॉब्स, हु वांट टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी या वो अभी लेट्स से किसी और फील्ड में हैं, व्हाट वुड बी योर जनरल सजेशन टू द कमिंग जनरेशन हु वुड बी अप्लाइंग फॉर दीज जॉब्स एंड देन अल्टीमेटली सर्विंग द कंट्री इन द फ्यूचर? जनरल आप क्या क्या रिकमेंडेशंस और गाइडेंस देना चाहेंगे? येट अगेन एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऐसा सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत एक जरूरी क्वेश्चन है कि यार यूथ को अब क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। मतलब डेफिनेटली वी लव पाकिस्तान एंड वी वांट टू रिसिटेट द सिचुएशन वी आर इन नाउ। तो उसके लिए ये है कि एक गवर्नमेंट जॉब से हटके, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि यार अगर आप गवर्नमेंट जॉब ना करें तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को बढ़ाकर आप मुल्क का बहुत फायदा कर सकते हैं। आप मतलब के एक देखिए ना, प्राइवेट अपना दो डोमेन्स, एक तो गवर्नमेंट होगी, दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर होगा। तो आप, मैं तो लोगों को, यूथ इतनी ज्यादा, हर बंदा लिमिटेड सीट्स होती हैं गवर्नमेंट, उस पर हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, सॉरी अप्लाई कर सकता है लेकिन ही कैन नॉट अचीव। डेफिनेटली मेरिट है, लिमिटेड सीट्स हैं, इट्स नेचुरली के ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स के हु आर मतलब एक्सट्रीमली ब्लेस्ड एंड जिनके पास उस लेवल की कैपेसिटी है। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ कि उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार अपनी कंट्री को यूथ के, देखें यूथ भल जितना है पाकिस्तान के, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसके अंदर ये है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बनाने की बहुत जरूरत है। आप खुद बिजनेस आइडिया सोचें ताकि एक इन्वेस्टमेंट कल्चर आए, प्रोडक्शन कैपेसिटी मुल्क की बढ़े, जीडीपी इंक्रीज करे, और जो सिचुएशन एक चल रही है कि उससे हम जैसे बाहर निकल सकें, ठीक है, हम एक्सप्लिकेट कर पाए अपने आप को, ये जो बड़ा पेनफुल सा एक दौर चल रहा है। तो जब अगर इन्वेस्टमेंट कल्चर की तरफ यूथ शिफ्ट होगी, इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगी, इंटरनेशनल मार्केट्स इंटरेस्ट लेंगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर होगी, तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि लोग जो सा है बिजनेस की तरफ शिफ्ट हों। क्योंकि देखिए अब सोसाइटीज में आप देखते हैं, इवन चाइना भी हो, जो भी जैसे उनका डिक्टेटोरियल हो रहा है, लेकिन कैपिटलिस्टिक ही गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी परस्यू करती है। अमेरिका की मिसाल है, मोस्टली कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज हैं जो इस हिसाब से थ्राइव कर रही है। टैक्सेशन सोसाइटी ज्यादा, कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज में जहाँ बिजनेस ज्यादा था, टैक्सेस ज्यादा आते हैं, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की जॉब अगर आप स्पेसिफिकली फोकस करें कि नहीं यार मेरा बिजनेस की तरफ जेन नहीं है और मैं मटेरियलिस्टिक इंसान नहीं हूँ, मैंने कोई एम्पायर नहीं बनानी, मुझे कोई लाविश लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए जिसमें लोगों को सर्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं खुद भी यही अभी फिलहाल तक मेरा कैरियर पाथ है। तो उसके लिए जो सा है, जो एक माइंडसेट होना चाहिए, वो ये है कि आप फिर कोई प्रोफेशनल फील्ड ना चूज करें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, या कोई ऐसी चीज की जो एक प्रोफेशन, आप सिंपल FSC FA के बाद, ठीक है, आप अगर जाना चाहते हैं बैचलर्स कर लें, इंग्लिश में कर लें, कोई ऐसे सब्जेक्ट में कर लें, लेकिन अपना फोकस जो है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि यू आर एलिजिबल, वंस यू हैव डन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, यू आर इवन एलिजिबल फॉर CSS एग्जाम्स। तो आप अपनी जो मेहनत एक प्रोफेशनल डिग्री में आप जाया कर रहे हैं, जैसे मैंने किया, इवन आई आई यू फॉरगॉट टू मेंशन कि आई हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग मास्टर्स फ्रॉम NUST, एंड मिडवे आई लेफ्ट इट, क्योंकि यूटिलिटी नहीं थी उस वक्त, कुछ था नहीं 4 साल में, मैंने कहा, लेकिन आई लेफ्ट इट इवन दो आई हैड 3.5+ GPA, सो आई डिड नॉट गो देर, वो तो एक मजबूरी के तहत मुझे जाना पड़ा। तो ये इस तरह है कि आप इवन 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन की तरफ, जो रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए, उसमें मेहनत करने लग जाए विद एवरेज माइंडेड पर्सन, डेडिकेटेड मेहनत के साथ, वो साल के अंदर जो उनका है तो फेडरल लेवल की, गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल की जॉब ले सकता है।
ओके ठीक हो गया। अच्छा तुम्हारे साथ मैं फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बीच में पॉइंट मेंशन किया है, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप, दैट बिजनेस माइंडसेट। अब हाँ देखिए, जो स्टूडेंट है, जो अर्ली लेवल में उसने स्कूल से एजुकेशन हासिल की है, कॉलेज से FSC FA किया है, देन ही और शी गोज टू द यूनिवर्सिटी टू गेट वट एवर डिग्री। अब जो एजुकेशन है, दैट इज प्रोबेबली द की फैक्टर विच इज गोइंग टू डिफाइन कि चिल्ड्रन, जो स्टूडेंट्स जो है, उनका माइंड सेट कैसे शेप होता है। इफ यू पुट गार्बेज इन, यू आर गोइंग टू गेट गार्बेज आउट, राइट। आउट अब यूनिवर्सिटी में अगर आपको, मुझे याद है हमें बैचलर में सिविल इंजीनियरिंग में देर वॉज वन कोर्स ऑफ वन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स विच वॉज ऑल्सो इन द 7th or 8th semester, एंड नो बडी टुक इट सीरियसली बिकॉज इट वॉज टू क्रेडिट हाँ आवर्स एंड इट वॉज जस्ट एज इफ इट इज अ फन। अब जब हाँ आपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या और करते कैसे हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपकी कमिंग जनरेशन जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर ले, अनलेस कि अगर उनका फैमिली बिजनेस है दे कंटिन्यू, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट हैव दैट। सो इफ यू डोंट शेप योर यूथ टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट बिजनेस इन योर कंट्री। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, क्या वो लैक देखिए नहीं करता कि हम उस तरह की यूथ प्रिपेयर ही नहीं कर पाते कि जो हम एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। नहीं देखिए एट द एंड ऑफ द डे देखिए सामा घर में मतलब के राशन पानी चाहिए ठीक है। तो अब जो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते या ऐसी पोजीशन पे नहीं जाते ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन और व्हाट्स एवर रीजन इज देयर तो उनको उन्हें कुछ तो करना है तो वो डेफिनेटली उनमें फिर बिजनेस का सोचेंगे कि यार चलो कोई मतलब रेडी लगा लो या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या जो तो वो एक नेचुरली जो सा है। लेकिन ये कि जो इम्ब्रेस करना होता है ना एक चीज को कि एंटरप्रेन्योरशिप को इम्ब्रेस करना डिस्पाइट द फैक्ट कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप उधर एंटरप्रेन्योरशिप को इम्ब्रेस किया जाता है कि यार कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज अमेरिका का जो एक वो सेट ऑफ वैल्यूज है उसके अंदर कैपिटलिज्म वो बिजनेस माइंडेड बनाने के लिए आपको मैं बताऊं तो इंडिया में सरकारी स्कूलों के अंदर जस्ट टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे कि बच्चों को कुछ अमाउंट दे दिया और कहा कि यार इसको डबल करके लेके आओ या इसको मतलब ये एक बड़ा अच्छा है नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव सरकारी स्कूलों में नॉट इवन इन प्राइवेट वो उन्होंने दिया तो ये डेफिनेटली इस तरह भी हम कुछ यूथ को चैनलाइज कर सकते हैं इसकी तरफ। दूसरी बात ये है कि ये बहुत जरूरी है के नेचुरल रिसोर्सेज पड़ी की पड़ी रह जाती हैं ऐसी मुल्क के अंदर जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं होता है जहाँ पे उसको यूटिलाइज करके कुछ और बनाना नहीं चाहते। तो वंस अगेन मैं आपकी बात को इंडोर्स करूंगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए कि जिससे एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर बने लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी बताना चाहिए कि यार आपने इतना भी मटेरियलिस्टिक नहीं बन जाना कि आप लोगों को जिस तरह कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करने लग जाए। तो एक बड़ी बैलेंस सी अप्रोच उस लिहाज से होनी चाहिए। ठीक हो गया तुम्हारा सर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। आई वुड कंक्लूड दिस पॉडकास्ट हियर एंड वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू इट वॉज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आई थिंक देर आर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, होपफुली आवर ऑडियंस वुड वॉन्ट टू नो दोज पॉइंट्स। एंड यस, थैंक यू वंस अगेन, एंड आई होप के इन द फ्यूचर वी विल गेट मोर टाइम टू हैव अनदर पॉडकास्ट विद यू टू डिस्कस सम अदर एस्पेक्ट्स अबाउट पाकिस्तान एंड लाइफ इन जनरल। थैंक यू वंस अगेन डेफिनेटली तिवाना साहब, एंड इट वॉज एन ऑनर आई वुड से। नहीं थैंक यू सामा वंस अगेन थैंक्स फॉर हैविंग मी इट्स बीन अ प्लेयर और डेफिनेटली मैं अवेलेबल हूँ जब भी अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे। मेरी उम्मीद यही है इस पॉडकास्ट से कि एक कुछ यूटिलिटी होगी जो भी व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए एक उनको प्रोडक्टिव चीज साबित होगी। तो थैंक यू ओके, वेरी थैंक मच सामा खुदा यू हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।